मैं मुनीश शर्मा, आज हम अपने इस YouTube वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर जैसे बहुत सारे हमारे डेप्टर्स होते हैं उनका आउटस्टैंडिंग है, हम चाहते हैं कि उनको एक साथ उनका सबका बिल निकल जाए, या मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकल जाए, प्रिंट निकल जाए सभी लेजर्स का एक साथ, या सभी लेजर एक्सपोर्ट हो जाएं ताकि हम उन्हें बाद में व्हाट्सअप कर सकें, या हम उन सबको अगर हमने उनका ईमेल आईडी अपडेट किया हुआ है तो हम चाहते हैं उन सबको एक साथ ईमेल हो जाए। तो ये जो इशू है इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे आज हम टैली में देखेंगे। तो ये मेरी टैली कंपनी है, ओके। ये इसके अंदर मैं यहाँ देखता हूँ डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग दिखाता है। तो ग्रुप वाइज मैंने किया तो यहाँ मैंने डेप्टर्स पे क्लिक कर दिया, ये मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इन पार्टीज़ के पास। अगर मैं यहाँ से एजिंग मोड करता हूँ तो मैं बिल डेट के हिसाब से ये भी एजिंग भी कर सकता हूँ, कितने कितने दिन पुराना पेमेंट है मेरा, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा एजिंग आता रहता है, यानी कि इनके ऊपर मेरा आउटस्टैंडिंग है, ओके। तो अब हम इनको सबसे पहले एक्सपोर्ट करके देखेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अदर पे क्लिक करना है, और अदर पे क्लिक करके शो मोर में जाना है, और यहाँ आपने ऑल लेजर्स आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा, आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, एक्सेल में बनाना है या पीडीएफ करना है, जिस तरह से भी आपको करना है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आता है आपको कब से कब तक भेजना है, पीरियड चेंज करना है इसका, तो आप कॉन्फिगर में जाके इसका पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ मैं 1/4 से 30/4 तक कर सकता हूँ। इसके बाद आप रिपोर्ट टाइप क्या चाह रहे हो, रिमाइंडर लेटर लिखना चाहते हो उस पर, या लेजर आउटस्टैंडिंग लिखना चाहते हैं, आप जो भी इस पर लिखेंगे वो आपका टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस भी उनको भेजना चाहते हैं, ओपनिंग अमाउंट क्या था वो भेजना चाहते हैं, ड्यू ऑन क्या था, कितनी तारीख को था, ओवर ड्यू कितने दिन का ओवर ड्यू हो चुका है, शो ओवर ड्यूज बिल डेट से दिखाना चाहते हो तो इसको भी यस कर सकते हैं। फॉर्मेट रिपोर्ट्स डिटेल्स में आप कर देंगे तो इन्वेंट्री भी आएगी, सारी चीज़ आ जाएंगी आपकी, ओके। तो यहाँ भी आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि आप क्या क्या चीज़ उसमें दिखाना चाह रहे हैं। ये ऑप्शन होता है आपके पास, सारे ही बिल आपको भेजने हैं या सिर्फ पेंडिंग बिल भेजने हैं या ओवरड्यू बिल भेजने हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके पास होता है, आप ऑल बिल्स कर दीजिए अभी फ़िलहाल। इसके बाद पार्टी का एड्रेस आप दिखाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, यहाँ आपके पास फाइल फॉर्मेट होता है, इसमें आप फाइल फॉर्मेट कोई भी ले सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जेपीजी ले सकते हैं, एचटीएमएल ले सकते हैं, एक्सेल ले सकते हैं, अभी हम पीडीएफ ले लेते हैं। तो इसको हमने कंट्रोल ए कर दिया। फाइल फॉर्मेट चेंज करने का ये भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्लिक करके फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। यहीं पर आप इस फाइल को कहाँ भेजना चाहते हैं उसके लिए आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ से लोकल ड्राइव जो भी आपको पाथ सेलेक्ट करनी है वो आप अपनी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ हमने इसको ओके कर दिया और हम यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे। तो ये मेरे पास, ये देखिए पार्टी का अमरदीप डिजाइंस इंडिया प्राइवेट लिया है, वो डिटेल के साथ आपको पूरी ये दिखा देगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब हम चलते हैं और हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे सारे बिल्स एक साथ प्रिंट हो जाते हैं या नहीं। तो प्रिंट में जाएंगे और फिर से हम अदर पे क्लिक करेंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ ऑल लेजर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ कॉन्फिगर में जाएंगे, यहाँ आप अपने ऑप्शन ये चेंज करना चाहें जैसे अभी हमने किया था तो ये चेंज भी कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है, और इसको हम कंट्रोल ए कर देते हैं। यहाँ आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी आप, और ये प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। इसमें हमने इन्वेंट्री डिटेल नहीं ओपन की है इसलिए इन्वेंट्री डिटेल नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ सेम जिस तरह पीडीएफ में किया है वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है ईमेल का, तो अब हम ईमेल पे जाएंगे, यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है, अदर पे क्लिक करेंगे, शो मोर पे जाएंगे, और यहाँ पे लेजर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कर देंगे, और लेजर आउटस्टैंडिंग यहाँ आपने टैली सॉल्यूशंस इंडिया, मतलब जो मेरा ईमेल आईडी है जिससे मुझे मेल भेजना है वो ईमेल आईडी डालेगा,
यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ ऑल लेजर्स पे क्लिक करना है आपने, ओके। और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद ये दिखा देगा आपको कि क्या बिल पे प्रिंट होके जाएगा, यानी कि उनके पास जो डिटेल जाएगी उस पर क्या प्रिंट होगा। और यहाँ से मैं इसको ईमेल करता हूँ, यहाँ मुझे इसमें अपना पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ मैंने अपना ईमेल आईडी जिससे मैं ईमेल भेजना चाहता हूँ उसको एंटर करेंगे। और यहाँ एंटर करने के बाद जितने भी हमको लेजर्स पे मेल भेजना है वो ऑल लेजर्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ओके किया। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, बिल वाइज डिटेल रहेगा या रिमाइंडर लेटर, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो ईमेल में लिख सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया प्लीज़ पेमेंट। ओके, तो हमने यहाँ कर दिया इसको ओके, ईमेल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। तो जितने भी आपके लेजर्स होंगे उन सब पे ये ईमेल डायरेक्ट चला जाएगा। अभी मैं आपको चेक भी करा देता हूँ कि मेरे किस किस पार्टी को मेल चला गया है। अब देखिए, जैसे ये मेरा है अमरदीप, इसमें ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होता है कॉन्टैक्ट डिटेल में, इसको यस करेंगे। इसमें मेरा मुनीश आरपी वाला ईमेल आईडी है, ओके। ये मेरा मार्स एंटरप्राइजेस कंपनी है, इसमें मेरा आईटी कंसल्टेंट है। तो मैंने यहाँ चेक किया तो ये देखिए प्लीज़ पेमेंट, अभी अभी हमने जो बनाया था वही आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा बिल दिखा देगा, ओके। दूसरा मेरा आईटी कंसल्टेंट था, उसमें भी यूनिक कंप्यूटर से ईमेल आया है, उसमें भी उसने उसका पेंडिंग अमाउंट बता दिया है। तो इस तरीके से आप ये अपना, अगर आउटस्टैंडिंग बहुत सारे लेजर्स हैं उनको एक साथ ईमेल करना चाहते हैं, उनके एक साथ प्रिंटआउट निकालना चाहते हैं या उनको एक साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बहुत इजी फंक्शन है ये। और बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम ऐसी लेटेस्ट वीडियो और एजुकेशनल वीडियोस इस पर अपलोड करते रहते हैं। और थैंक यू वेरी मच।